आज के वीडियो में बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंटेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर का एक और वीडियो देखेंगे। पहले भी हमने कुछ वीडियोस देखे थे लेकिन उसमें हमने डोंट केयर कंडीशन को नहीं कंसिडर किया था, मतलब उन क्वेश्चंस में हमें कोई डोंट केयर कंडीशन नहीं दी हुई थी। अब ये क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये बुलियन फंक्शन है और ये क्या है, डोंट केयर कंडीशन है। ठीक है, इस बुलियन फंक्शन का मतलब क्या है कि इन मिन टर्म्स पर हमें, मतलब जब ए बी सी डी की वैल्यू आइदर जीरो, मतलब सारे जीरो होते हैं, या टू दैट इज जीरो जीरो वन जीरो होती है, या इनमें से कोई वैल्यू होती है, तब इसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। और ये क्या है, डोंट केयर कंडीशन है। अभी डोंट केयर कंडीशन क्या होती है मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे बुलियन फंक्शन में वेरिएबल्स कितने हैं, तो यहाँ पर हमारे बुलियन फंक्शन में वेरिएबल्स कितने हैं, ए बी सी डी दैट इज फोर वेरिएबल्स हैं। अब मैंने रूल आपको पहले ही अच्छी तरह से बता दिया था कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई आपको इसको 16:1 मल्टीप्लेक्सर से या 8:1 मल्टीप्लेक्सर से कैसे इंप्लीमेंट करना है, अगर गिवन हो तो आपको वैसे ही इंप्लीमेंट करना है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको रूल फॉलो करना है। वो कौन सा रूल है तो वो ध्यान से देखो, पहले भी मैंने आपको बताया था रूल क्या है। यहां पर टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, फोर वेरिएबल्स हैं। ओके, कितने वेरिएबल्स हैं, फोर वेरिएबल्स हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास n प्लस वन वेरिएबल्स हो, फोर को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री प्लस वन लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास n प्लस वन वेरिएबल्स हो तो उनमें से हमें इन n को तो क्या चूज करना है, एज अ सिलेक्शन लाइंस यूज करना है, चूज करना है, और बाकी जो वन है उसको इनपुट के तौर पर हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ओके, तो यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं, थ्री प्लस वन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हमारी जो सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, थ्री हो जाएंगी। देखो ये क्या होती है, एन सिलेक्शन लाइंस होती हैं और ये क्या होता है, वन इनपुट होता है। तो यहां पर ये थ्री क्या हो जाएंगी, हमारी सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो ये चीज हमने डिसाइड कर ली। ठीक है, अब हमारा क्या है, थ्री सिलेक्शन लाइंस है, थ्री सिलेक्शन लाइंस, इसका मतलब क्या है, टू रेस्ट टू दी पावर थ्री इज टू वन, मतलब हमें 8:1 मल्टीप्लेक्सर का क्या करना है, इसमें यूज करना है, क्या यूज करना है, 8:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज तो डिसाइड हो गया कि हमें 8:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करना है जिसमें ये थ्री सिलेक्शन लाइंस होंगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले इस मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं। तो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है उसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अब आपको पता ही है कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर है जिसमें से ये थ्री क्या है, इनपुट से। तो अब बात ये आती है कि हम किसको इनपुट या किसको सिलेक्शन लाइंस लें। हम ए को इनपुट के तौर पे यूज करके बी सी डी को सिलेक्शन लाइंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, या हम ए बी सी को क्या यूज कर सकते हैं, सिलेक्शन लाइंस, और डी को क्या ले सकते हैं, इनपुट, एज अ इनपुट ले सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। अब मैं इस वीडियो में, देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी, कौन सी, उसमें हमने डी को इनपुट लिया था, ए बी सी को सिलेक्शन लाइन लिया था, और एक बार हमने ए को इनपुट लिया था और बी सी डी को सिलेक्शन लाइन लिया था। अभी वाले केस में मैं क्या कर रही हूँ, बी सी डी को क्या ले रही हूँ, सिलेक्शन लाइंस ले रही हूं, क्या ले रही हूं, सिलेक्शन लाइंस ले रही हूं। ओके, और हमारे इनपुट्स कौन से हो जाएंगे, अब इसमें ए इनपुट का काम करेगा, कैसे काम करेगा अभी हम देखेंगे। अब हमारे टोटल इनपुट्स कितने हैं, 8:1, 8:1 मतलब हमारे डी जीरो से डी सेवन तक हमारे 8 क्या हो जाएंगे, इनपुट्स हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री, आप आई वन आई टू कुछ भी लिख सकते हो, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स एंड डी सेवन। ठीक है, अब ये मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग क्या होती है, तो मल्टीप्लेक्सर की ये वर्किंग होती है कि इन एट इनपुट्स में से किसी एक को एट अ टाइम सिलेक्ट करेगा और उसको आउटपुट में लेके जाएगा। यही मल्टीप्लेक्सर का क्या होता है, काम होता है कि भाई हमारे पास एक ही लाइन है, हम एक ही पर्सन को लेके जा सकते हैं, तो हमें, और हमारे पास इतने सारे पर्सन है उस पाथ में ले जाने के लिए, तो हम इनमें से किसी एक को क्या करेंगे, चूज करेंगे और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, तो ये अब ये कौन डिसाइड करता है कि किस एक को लेके जाना है, तो वो सिलेक्शन लाइंस डिसाइड करती हैं कि किस एक को आगे लेके जाना है। ओके, अब देखो यहां पर हमने क्या किया, एक ट्रुथ टेबल ही बना दी है जो कि इसी बुलियन फंक्शन को इंडिकेट कर रही है। इस बुलियन फंक्शन के कहने का मतलब क्या है कि जब ए बी सी डी की वैल्यू जीरो होगी, मतलब इन चारों की वैल्यू जीरो होगी, तब हमें आउटपुट में वन मिलेगा। ओके, इसी तरह से जब इनकी वैल्यू टू होगी, दैट इज जीरो जीरो वन जीरो होगी, तो हमें वन मिलेगा। इसी तरह से बाकी की भी हमने, मतलब कुल मिला के हमने ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना दी है। डोंट केयर, इसका मतलब क्या है कि जब इनकी वैल्यू थ्री होगी, थ्री मतलब जीरो जीरो वन वन होगी,
तब यहाँ पे हमें क्या डिनोट करना है, क्रॉस है, ठीक है, डोंट केयर है, ओके। तो अभी डोंट केयर क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जिन इनपुट्स को जिनको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, ओके। और वो कैसे इग्नोर वगैरह किया जाता है आप पहले की वीडियोस में आप देख सकते हैं, ओके। तो अभी हमने क्या किया है, मतलब इसी बुलियन फंक्शन को यहाँ पे ट्रुथ टेबल में हमने क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है, ओके। ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो सिलेक्शन लाइंस क्या है, बी सी डी है। क्या है हमारी सिलेक्शन लाइंस, बी सी डी है। इसका मतलब क्या है कि ये डिसाइड करेंगे कि इनमें से हमें कौन से इनपुट को आगे लेकर जाना है, ओके। ये अपनी मर्जी से किसी को भी सिलेक्ट करके नहीं आगे लेके जाएगा, ये सिलेक्शन लाइंस डिसाइड करेंगे कि किसको लेके जाना है। जब इनकी वैल्यू होती है 0 0 0, इसका मतलब किसको सिलेक्ट किया जाएगा, डी जीरो को। जब इनकी वैल्यू होती है 0 0 1, इसका मतलब डी वन को सिलेक्ट किया जाएगा। जब इनकी वैल्यू होती है 1 1 1, इसका मतलब D7 को सिलेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो 111 का डेसिमल क्या होता है, 7 होता है। ये चीज तो बेसिक सी आपको पता ही होगी। तो हमने ये देख लिया कि सिलेक्शन लाइंस किस तरह से डिसाइड करेंगी, हमने ये वाली ट्रुथ टेबल भी बना लिया। बात आती है कि इन इनपुट्स में वैल्यू क्या जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इनपुट डिसाइडर कौन है, ए है हमारा इनपुट, ओके। ए को हमने एज अ इनपुट लिया है, ओके। अब ए की वैल्यू, अब हमें क्या बनानी है, इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनानी है। ये क्या थी, ट्रुथ टेबल थी, अब हमें बनानी है इम्प्लीमेंटेशन टेबल। तो अब ए की वैल्यू आइदर 0 हो सकती है या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यहां पर मैंने ए ले लिया। अब ए डिसाइड करेगा इनमें, इन इनपुट्स में क्या वैल्यू जाएगी। अब ये इनपुट्स कौन कौन से हैं, डी जीरो से डी सेवन तक। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री, अप टू डी सेवन, डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स एंड डी सेवन लिख देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज डिसाइड करनी है। तो पहले हमें एक और काम करना है इम्प्लीमेंटेशन टेबल का। क्या काम करना है, तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वैल्यू 0। तो अब यहां पर पहले आप देखो कि ए की वैल्यू 0 कहां कहां पर है, यहां 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 यहां, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 पर ए की वैल्यू क्या है, 0 है। और हम क्या लिख देंगे, देखो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमने लिख दिए। इसके बाद में हमें क्या देखना है कि ए की वैल्यू 1 कहां कहां पर है। तो ए की वैल्यू हमें 1 कहां कहां पर मिल रही है, तो ए की वैल्यू 1 हमें मिल रही है 8 9 10 11 12 13 14 15 पर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये हमने लिख दिए, ओके। इतना काम हो गया। अगर यही आपने डी को एज ए इनपुट लिया होता तो इसका मतलब हमें देखना होता कि डी की वैल्यू 0 कहां कहां पर है। तो 0 पर 2 पर 4 पर, तो यहां पर हम लिख देते 0 2 4 6 8 10 12 एंड 14 लिख देते। और यहां पर सारे हम ऑड नंबर्स लिख देते, ये चीज देखनी होती है हमें, ओके, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार कमेंट बॉक्स में आया था, ओके। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, अब ये चीज हो गई हमारी। अब हमें डिसाइड करना है डी जीरो में वैल्यू क्या जाएगी। तो अब हमें क्या करनी है, सर्कलिंग करनी है, ठीक है। सर्कल हम कैसे करेंगे, तो हमें देखना है कि डी, इसकी वैल्यू हमें 1 आउटपुट, अब हमें क्या देखना है, आउटपुट देखना है। तो आउटपुट में हमें क्या देखना है, अब हमें कुछ ही ए कॉम्प्लीमेंट ए नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, आउटपुट देखना है। तो आउटपुट हमें 1 कहां कहां मिल रहा है, 0 2 6 11 पर। तो 0 पर 2 पर 6 पर 11 पर और कहां पर, 12 13 पर। तो 12 पर एंड 13 पर। अब बात आती है डोंट केयर का, हम क्या करें। देखो जब आप के मैप को मिनिमाइज करते हो, जब आप के मैप के थ्रू किसी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हो, तो आप क्या करते हो, इनको डोंट केयर कंडीशंस को भी एज 1। अगर आप एसओपी फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो जो डोंट केयर कंडीशन है, सपोज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे डोंट केयर है, तो इसको भी आप 1 की तरह ट्रीट करके इसके साथ कंबाइन कर देते हो। या यहाँ पर 1 1 1 है और यहाँ पर के वेब की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पर क्रॉस है, डोंट केयर है, तो आप इसको भी 1 की तरह ट्रीट करके ये ग्रुप बना देते हो। तो जब आप एसओपी फंक्शन को सॉल्व करते हो तो डोंट केयर को जहां जरूरत हो वहां पे क्या करते हो, 1 की तरह ट्रीट करते हो। तो यहां पर भी हमें इन डोंट केयर्स को क्या करना है, 1 की तरह ट्रीट करना है। तो यहां पर 3 8 14 इनको भी हम क्या करेंगे, एज अ बॉक्स। यहां पे बॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि डोंट केयर है तो थोड़ा अलग हो, ओके, अलग से रिप्रेजेंट करना है इसीलिए। तो 3 8 14, तो 3 पर 8 पर और
और 14 पर मैंने क्या कर दिया, ये बॉक्स बना दिया, ठीक है, डोंट केयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम ये किस तरह से लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया था, इसको भी मैं एज अ वन ट्रीट करूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर मुझे देखना है, इसको भी मतलब मैं एज अ सर्कल ट्रीट कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है, डी जीरो के लिए देखो दोनों जगह सर्कल है, दोनों जगह सर्कल है, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, वन, रीजन ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पर दोनों है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक भी सर्कल नहीं है तो मैं क्या लिखूंगी, जीरो लिखूंगी, ठीक है, एक भी सर्कल नहीं मतलब जीरो। यहाँ पर देखो यहाँ पर ओनली ऊपर सर्कल है मतलब मैं क्या लिखूंगी, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी। यहाँ पर भी दोनों सर्कल्स हैं क्योंकि मैं इसको भी एज अ सर्कल एज अ वन ट्रीट कर रही हूं, तो यहाँ पर दोनों सर्कल्स हैं तो अगेन ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पर ओनली नीचे सर्कल है तो नीचे मतलब मैं क्या लिखूंगी, ए लिखूंगी। यहाँ पर भी नीचे सर्कल है तो मैं क्या लिखूंगी, ए लिखूंगी। यहाँ पर दोनों सर्कल्स हैं तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर वन लिखूंगी। जब दोनों सर्कल वन, दोनों जगह नहीं है सर्कल मतलब जीरो, तो यहाँ पर दोनों जगह सर्कल नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगी, जीरो लिख दूंगी। तो ये मुझे पता चल गया कि मुझे डी जीरो में, डी वन में, डी सेवन, इन सभी में क्या इनपुट देना है, और मुझे यही कनेक्शंस कहाँ पे करने हैं, यहाँ पर करने हैं, ओके। अब उस इम्प्लीमेंटेशन टेबल को देख के मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज लिख दी है। अब हम देते हैं डी जीरो में हमें क्या देना है, वन देना है, तो डी जीरो में मुझे क्या देना है, वन देना है, ओके, हाई देना है, ओके। इसके बाद में डी वन में क्या देना है, जीरो देना है, तो आइदर आप अलग से जीरो दे दो, तो यहां पर मैंने क्या दे दिया, जीरो, आइदर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिख के ले लो, ओके। इसके बाद में डी टू में देना है मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट, तो सपोज यहां से मेरा आ रहा है ए, तो मुझे डी टू में क्या देना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं इस तरह से कनेक्ट कर सकती हूँ या सीधे यहां से भी कनेक्ट कर सकती हूँ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट दे दिया। जब मल्टीपल वैल्यूज होती है ए के कॉम्प्लीमेंट की तो मैं यहां से सीधे कनेक्ट करके जहां जहां से कनेक्ट करना था कर सकती थी, ओके। तो डी टू में क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। डी थ्री में आएगा वन, तो मैं वन को यहां से भी ले सकती हूँ, तो डी थ्री में क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो ये मैंने वन ले लिया। इसके बाद डी फोर में आ रहा है ए, तो यहां से मैंने ए ले लिया। यहां पर डी फाइव में भी आ रहा है ए, तो यहां से मैंने अगेन क्या ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। इसके बाद में डी सिक्स में क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो मैं यहां से भी ले सकती हूँ या सेपरेटली भी, अगर आपको लग रहा है डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है तो आप सेपरेटली भी ले सकते हो। तो यहां से मैंने क्या ले लिया, यहां से ले लिया वन ले लिया, डी सिक्स में क्या आ रहा था, वन, डी सेवन में जीरो, तो डी सेवन में मैंने क्या दे दिया, जीरो दे दिया। तो इस तरह से हमने इस बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से।